कन्नौज में कोरोना टीके के नाम पर ग्रामीणों से पैसे लेने का मामला सामने आया है। लोगों से कोरोना टीके के नाम पर लोग पैसे लेने का वीडियो वायरल हो रहा है और अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद अधिकारी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हर आदमी कहता है आगे लाइन में लगने के लिए, जल्दी लगवाने के लिए हर आदमी पैसा देगा, हर आदमी चलो पैसा लेते रहेंगे। नहीं ऐसा, ये मुझे शाम को वीडियो देखने को मिला तो मैंने तुरंत जो वहाँ के जो नोडल हैं और हमारे जो DIO हैं डॉक्टर गीतम सिंह जी, उनको मैंने तुरंत फ़ोन किया। मैंने कहा इसका जो कल दोपहर तक मुझे इसकी पूरी रिपोर्ट चाहिए, इसने ऐसा किया तो क्यों किया है। और ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है और वहाँ के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर निर्मल सिंह, उनको मैंने बता दिया है कि इसकी मुझे कल दोपहर तक इसकी पूरी रिपोर्ट चाहिए, इसमें कौन दोषी है क्या है। ग्रेटर नोएडा से मिल रही है, स्विगी के डिलीवरी बॉय ने गोली मार ली है, रेस्टोरेंट के मालिक की गोली मार कर हत्या की है इस डिलीवरी बॉय ने। ऑर्डर में देरी को लेकर विवाद हुआ था, कोतवाली बीटा 2 इलाके की मित्रा सोसाइटी का यह सारा मामला है। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। रविंद्र जयंत हमारे सहयोगी इस वक्त ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, सारा मामला क्या है दर्शकों को बताएं। जी राजेंद्र, बताना चाहूंगा जिस तरह से एक घटना दर्दनाक घटना जेटुना में हुई है। एक जो रेस्टोरेंट चलाते हैं तो स्विगी के जो डिलीवरी बॉय थे वो वहां पर पहुंचे और उसमें ऑर्डर में देरी हुई, उसी दौरान जो है जो स्विगी का जो जो ऑर्डर बॉय था उसने जो है जो पहले उसके जो रेस्टोरेंट चालक के साथ में विवाद हुआ, उसके बाद में जो उसकी गोली मारकर जो है हत्या कर दी गई। और ये दो आरोपी बताए जा रहे हैं, दोनों आरोपी हत्या के बाद से मौके से फरार हो गए। ये बताया जा रहा है कि जो इनका ऑर्डर था उस ऑर्डर में कुछ देरी हुई थी, उसी दौरान जो है इन्होंने गोली मारी। हालांकि पुलिस ने इसमें इस मामले में जो है दो टीमें बना दी हैं और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की जो है बात कह रही है। जी राजेंद्र, शुक्रिया आपका। स्विगी के डिलीवरी बॉय ने गोली मारी है रेस्टोरेंट के मालिक को, देरी होने ऑर्डर पे देरी होने की बात थी, इसी को लेकर विवाद आगे बढ़ा और उसके बाद ये हुआ। गोली मार दी डिलीवरी बॉय ने रेस्टोरेंट के मालिक को। और एक बड़ी खबर कानपुर से है, स्टेट GST ने एक और फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया है। सुपारी और पान मसाला के टैक्स चोरों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर की फर्म ने 25 करोड़ की टैक्स चोरी। आदित्य कॉरपोरेशन के खिलाफ कल्याणपुर थाने में FIR दर्ज की गई। ट्रांसपोर्ट नगर की फर्म ने 25 करोड़ की टैक्स चोरी की है। आदित्य कॉरपोरेशन के खिलाफ कल्याणपुर थाने में FIR। कानपुर में स्टेट GST ने एक और फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया है।